नमस्कार बच्चों, आप सभी कुशल एवं स्वस्थ होंगे। आज मैं कनक लक्ष्मी आप लोगों के समक्ष हिंदी वसंत भाग दो से सातवीं कक्षा के एक पाठ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम सुनने से पहले ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतना ही बहुत ही मीठा जो है एक पाठ है, जिस पाठ का नाम है मिठाई वाला। मिठाई सब बच्चों को पसंद होती है और हम जब घर पर होते हैं तो रविवार है, संडे है, अगर संडे या रविवार के दिन हम जब घर में होते हैं तो कोई भी अगर उस गली से गुजरता है तो हम जो है दौड़ कर सामने चले जाते हैं बच्चे, और बच्चे जा कर के क्या देखते हैं कि कोई मिठाई वाला तो नहीं जा रहा है। जैसे ही मिठाई वाला जा रहा है, आइसक्रीम वाला जा रहा है, रसगुल्ले वाले जा रहे हैं, तो उसको जो है हम जा कर के बुला के लेके आते हैं। भले ही रसगुल्ला घर में हो, फिर भी जो है हम बच्चे जो है जिद करते हैं कि हमें अभी बाहर से जो रसगुल्ला वाला जा रहा है उससे हमें खरीद कर दो। तो इसी तरह से यह जो कहानी है यह भी एक नगर की बात है, जिस नगर में आए दिन कोई ना कोई गलियों से निकलता है या मिठाई वाला, मुरली वाला, खिलौने वाला, ऐसा कोई ना कोई जो है वो आ जाता है और बच्चे जो है उसको घेर लेते हैं। बच्चों का एक स्वभाव होता है कि कुछ भी नए चीज़ को देखने के लिए सारे बच्चे झुंड बना लेते हैं। तो उसी तरह से यह जो खिलौने वाला है या मिठाई वाला है उसको भी जो है सभी लोग झुंड बना करके घेर लेते हैं, और वह जो मिठाई वाला है वह भी जो है एक नामी ग्रामी, मतलब वो जो है अमीर भी है और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और वह जो है मिठाइयाँ बेचता है। क्यों मिठाइयाँ बेचता है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं इस मिठाई को अगर बेचूंगा तो इन बच्चों के साथ मिलकर जब मैं बातें करता हूँ या उनको देख करके जब मैं मिठाइयाँ बांटता हूँ या खिलौने बांटता हूँ, तब जो है उनको ऐसा एहसास होता है कि उनका जो बचपन है वो वापस आ गया। तो ऐसे ही एक नगर की कहानी है बच्चों इस पाठ में। तो हम पढ़ते हैं इस पाठ में, भवानी प्रसाद वाजपेयी जी क्या लिखते हैं उसे देखते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते, उनके स्नेह विशिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जे पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खिलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जैसे ही मिठाई वाला गलियों में आ जाता है तो सारी जो औरतें हैं वो भी सारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अपने गोद में ले लेती हैं, और जो छज्जा है चीके जो है मतलब वो किवाड़ खोलती हैं और खोल करके वो जो है खिड़कियों से या दरवाजों से जो है वो देखती हैं कि कौन आया है, क्योंकि ये खिलौने वाला या मिठाई वाला जब आवाज़ लगाता है तो सभी लोग बाहर निकल के देखते हैं कि क्या जा रहा है या कौन क्या बेच रहा है। यह देखने के लिए सारी युवतियाँ छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के निकल कर देखती हैं और उसके बाद वो अंदर चली जाती हैं, लेकिन जो बाकी छोटे बच्चे होते हैं सारे जो है दौड़ करके उस मिठाई वाले को घेर लेते हैं। और जैसे ही बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, यह देखता है खिलौने वाला या मिठाई वाला, तो वो क्या कहता है करता है कि वो अपना जो पेटी है उस पेटी को नीचे रख देता है और सबको जो है खिलौने उठा करके देने लगता है, या पेटी को खोल देता है और सभी को खिलौने बांटने लगता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। ऑल इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान
गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो क्या है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं खिलौने वाले को देख करके। जैसे ही खिलौने वाला गली में आता है, बच्चे सारे दौड़ते हुए आ जाते हैं और खिलौनों को जब देखते हैं तो वो बहुत ही पुलकित हो जाने का मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो तुतलाते हुए पूछते हैं, इसका क्या दाम है, इसका क्या दाम है और इसका क्या दाम है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चों की जो तुतलाने वाली भाषा है वो खिलौने वाले को बहुत अच्छी लगती है। और वो क्या करता है, उनकी जो नन्ही नन्ही उंगलियां हैं उस पर वो पैसे लेकर के आते हैं, आकर के उनको देते हैं और उनसे खिलौना लेकर के जाते हैं। तो बच्चों की नन्ही नन्ही उंगलियों से वो जो है पैसे ले लेता है और खिलौने वाला उनको खिलौने देता है। जैसे ही वो खिलौना बच्चों को मिलता है तो बच्चे जो है उछलते कूदते जो है वो उस खिलौनों को लेकर के, कभी अगर गाड़ी मिल गई तो उस गाड़ी को वो रोड पर चलाने की कोशिश करते हैं, अगर कोई जानवर मिल गया है तो जानवर की आवाज़ निकालते हैं। इस तरह से बच्चे जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन सारे बच्चों को खिलौने देने के बाद वो आगे की ओर गाता हुआ निकल जाता है। कैसे गाता है कि बहलाने बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला आ गया है। इसी गीत के साथ ही सारे बच्चे जो है वो दूसरे गली के भी निकल करके बाहर आ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो कैसे तुतला करके बच्चे बात कर रहे हैं जो है इस पाठ में लिखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की जो तुतलाने वाली आवाज़ है या तुतलाने वाली जो भाषा है उसको उन्होंने लिखा है, साक्षात आपको प्रस्तुत किया है ताकि आप बच्चे भी कैसे तुतलाते हैं इससे देख करके आपको भी अच्छा लगने लगेगा। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। बच्चों की जो माँ है वो देखती है कि दोनों बच्चे हाथी और घोड़ा लेकर के आपस में बात भी करते हैं कि देखो ये कैसे उछल रहा है, ये कैसे उछल रहा है, ये अपनी भाषा में बोलते हैं। तो उनके बाद में उनकी माँ जो है रोहिणी वो दोनों बच्चों को बुलाती है, चुन्नू मुन्नू दोनों मेरे पास आ जाओ और मुझे बताओ कि ये खिलौने तुमने कितने पैसे में खरीदे हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौना वाला दे गया एक। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो क्या है, बच्चों का खिलौना देखती है रोहिणी और रोहिणी फिर सोचने लगती है, बच्चे जब कहते हैं कि 2 पैसे में देके गया तो वो कहती है 2 पैसे में कैसे देके गया, क्योंकि इसका भाव ही 2 पैसे से अधिक है। फिर उसके बाद वो अपने काम में लग जाती है और उसको सोचने का वक्त भी नहीं मिलता कि क्यों इसने 2 पैसे में दे गया यह खिलौने वाला। लेकिन वो उसके दिमाग में थोड़ी देर के लिए जरूर आ जाता है कि ये 2 पैसे में कैसे आया, क्योंकि खिलौने का दाम तो 2 पैसा नहीं हो सकता। फिर भी वो सोचती है कि अगर दे गया है तो सही बात है, वो दे ही तो गया होगा, तभी तो बच्चे दोनों लेकर आए, यह सोच करके वो अपने काम में लग जाती है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। तो क्या है, पहले कौन आ रहा था, पहले खिलौने वाला आ रहा था, अब जो है पूरे नगर में जो है एक समाचार फैल गई, मतलब सभी घर घर में बात करने लगे कि अब यहाँ पर कौन आ गया है, एक मुरली वाला आ गया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो क्या है, 6 महीने के बाद एक मुरली वाला आ जाता है और मुरली वाले का आने की जो सूचना है वो घर घर में आ जाती है और कहते हैं कि एक मुरली वाला आया हुआ है, वो जो है गांव की गलियों में घूम रहा है और घूम घूम करके मुरलियां बेच रहा है और उसका जो मधुर स्वर है वो भी बहुत ही अच्छा है, वो मुरली पहले बजाता है उसके बाद ही मुरली बच्चों को बेच रहा है, वो भी 2-2 पैसों में। 2-2 पैसों में तो उसकी मेहनत भी नहीं आती होगी, मेहनत का मतलब क्या है कि मुरली का पूरा बनाने का जो पैसा है वो भी उसको नहीं मिलता होगा, लेकिन यह जो है मुरली बेचा करता है बच्चों को। एक व्यक्ति ने पूछ लिया
कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? जब एक व्यक्ति है, सभी लोग मिलकर के बात करते हैं नगर में कुछ नई बात होती है या नया कोई आ जाता है तो वो लोग पहचान जाते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं। तो ये जो नगर है, इस नगर में भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, क्या बात पूछ रहे हैं। पहला व्यक्ति जो है वो कहता है कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो जो सामने से जो व्यक्ति है वो उत्तर देता है कि वह व्यक्ति जो है वो उम्र में अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला और गोरा सा युवक है और वह जो है बीकानेरी रंगीन साफा जो है वो बांधता है। साफा जानते होंगे, सिर में जो है साफा बांधा जाता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो जो पूछता है कि वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, तो वो कहता है कि वह पहले खिलौने बेचता था या तो नहीं पता, लेकिन क्या वह सही में पहले खिलौने बेचता था? अभी लेकिन वह क्या बेच रहा है? वह मुरली बेच रहा है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। उस्ताद किसे कहते हैं? जिसको मास्टर कहते हैं हम, उसी को उस्ताद कहा जाता है। उर्दू वर्ड है ये। तो कहता है कि लेकिन जो भी हो, वो खिलौने वाला था हो या वो मुरली बेचने वाला था हो, लेकिन है वो बहुत उस्ताद। क्यों वो उस्ताद है? क्योंकि वह मुरली में जो है बहुत ही अच्छा बजाता है। मुरली बजाने में उसने जो है मास्टरी कर रखी है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, पहले क्या था? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला था। अब इसका नाम क्या हो गया? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। मुरलिया वाला का मतलब मुरली वाला। तो प्रतिदिन जो है इसकी चर्चा होने लगी। सभी जगह बैठ करके सभी लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है तो सभी लोग चर्चा करते हैं। तो सभी लोग जब भी शाम में मिलते हैं तो चर्चा करते हैं, अरे वह वो जो नगर में आया हुआ है वह मुरली जो है बहुत ही अच्छा बजाता है। कौन है? तो कहते हैं कि बच्चों का मन को बहलाने वाला मुरलिया वाला है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता या फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो क्या है, रोहिणी को जब ये सुनती है कि मुरली वाले का स्वर जब सुनाई पड़ता है तो तुरंत ही उसको जो है खिलौने वाले का स्मरण हो आता है। स्मरण का मतलब क्या है? उसको खिलौने वाले का याद आ जाता है, क्योंकि खिलौने वाले का स्वर भी बहुत ही अच्छा था। वो बच्चों को ऐसे आवाज़ में पुकारता था कि जिससे बच्चे अपने घर से दौड़ करके बाहर गली में आ जाए। और उसी तरह से जो है मुरली वाले का भी स्वर इतना अच्छा है कि उसके स्वर को और उसकी मुरली के तान को सुनते ही सारे बच्चे जो है अपने घर से बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए रोहिणी जो है, रोहिणी के स्मरण में जो रोहिणी को जल्दी ही याद आ जाता है उस खिलौने वाले का। तो कहती है जाकर के अपने पति विजय बाबू के पास जाकर के कहती है कि आप जरा सा बुला दीजिए, चुन्नू मुन्नू को भी हम जो है मुरलिया दिला देते हैं या उसको भी मुरली दिला देते हैं, क्या पता या फिर उधर आए या ना आए। इसका मतलब क्या है कि वो कहती है कि क्या पता कि अब फिर वो मुरली वाला इस गली में आए या ना आए, इसलिए हम जो है उसे भी बुला करके अपने दोनों बच्चों को भी मुरली दिला देते हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? विजय बाबू जो है
समाचार पत्र पढ़ रहे थे और समाचार पत्र लिए हुए वो जो है दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और दरवाजे के पास पहुंचते ही वो मुरली वाले से कहते हैं, क्यों भाई मुरली कैसे दिए, तुमने मुरली कैसे दिए का मतलब क्या है कि आप मुरली कैसे बेच रहे हो, एक मुरली का दाम क्या है। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोतनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है, इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा, एक स्वर से बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। क्या कहते हैं बच्चे तोतले भाषा में, सभी जो है वो दौड़ते हुए आते हैं मुरली वाले के पास, किसी का पजामा जो है वो ढीला हो गया है, कोई जो है गिरते पड़ते जो है वो बच्चे दौड़ते हुए मुरली वाले के पास पहुंच जाते हैं और एक ही स्वर में सभी बच्चे कहते हैं अम्बी लेंदे मुरली। वो तोतली भाषा में कहते हैं मुझे भी मुरली लेना है, इसी को वो कहते हैं अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हाँ भी इसी समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57। क्या कहता है वो मुरली वाला, कहता है हाँ भाई हाँ। वो गदगद हो जाता है, गदगद होने का मतलब क्या है, वो उनका मन जो है वो एकदम गदगद हो जाता है जब बच्चे सारे दौड़ करके उनके पास आ जाते हैं, क्योंकि उनका बचपन वो देख रहा है और इसी के साथ ही जो है वो बच्चों को जो उमंग है उनके अंदर में जो जल्दीबाजी है कि वो मुझे सबसे पहले लेना है, मुझे सबसे पहले लेना है, उसे देखते हुए उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो मुरली वाला कहता है अभी इतनी जल्दी मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं सबको एक एक कर देता हूँ मुरली, ज़रा ठहरो भाई। और वो कहता है कि मेरे पास अभी एक दो नहीं 57 जो है मुरली मैं लेकर के आया हूँ और सारे बच्चों को जो है मुरली देकर ही जाऊँगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। तो क्या कहता है बच्चों को किनारे पर, कहता है पहले बच्चों को संभालता है, बच्चों को कहता है कि मैं एक एक करके सबको दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ बच्चों। उसके बाद वो बाबूजी की तरफ मुड़ता है और बाबूजी से कहता है कि आपने क्या पूछा। वो बाबूजी से कहता है कि वैसे तो मैं सबको 3-3 पैसे में देता हूँ मुरली, लेकिन बाबू आपको मैं 2-2 पैसे में मुरली दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुराए, मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो विजय बाबू भीतर से और बाहर से दोनों रूपों में मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर अंदर चले जाते हैं और कहते हैं मन ही मन में कि अरे भाई वह आप तो सबको 2-2 पैसे में ही देते होंगे, लेकिन मेरे ऊपर क्या है, मेरे ऊपर ऐसे लग रहा है कि एहसान लाद रहे हो। क्यों? क्योंकि जो मुरली वाले हैं उसने क्या कहा कि मैं सबको 2-2 पैसे में 3-3 पैसे में देता हूँ और लेकिन आपको मैं 2-2 पैसे में दूंगा। तो इसी पर जो है बाबूजी अपने मन में बड़बड़ाते हैं कि सबको आप 2-2 पैसे में देते होंगे, लेकिन मेरे ऊपर ऐसे कर रहे हो जैसे कि आप जो है एहसान कर रहे हो मुझे 2-2 पैसे में मुरली देकर। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है, आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी तब मुझे इस भाव पड़ी है। तो मुरली वाला जो है वो कहता है कि बाबू आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं 2 पैसे में आपको दे करके मैं आपको लूट रहा हूँ, सभी ग्राहक को ऐसे लगता है कि जो दुकानदार है वह
अधिक पैसे ले रहा है, लेकिन मैंने जो है 1,000 मुरलियां बनाई, तब जाकर के मुझे 2 पैसे में एक मुरली पड़ी है, लेकिन 2 पैसे से कम में मुरली आपको कहीं नहीं मिलेगी। यह कहता है मुरली वाला किससे? बाबूजी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। तो क्या कहते हैं विजय बाबू, बड़े जल्दी में होते हैं और कहते हैं, अच्छा मुझे, मेरे पास वक्त नहीं है, 2 ठोक निकाल दो। क्या क्या अर्थ है कि 2 मुरली मुझे दे दो। वो उस नगर की जो भाषा है उसको वो लिखते हैं कि 2 ठोक निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, ये तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वही ना चाहिए? तो ऐसे बच्चों को सबको बहलाते हैं कि अरे भैया, जो बच्चा जिद करता है कि ये मुरली नहीं चाहिए, तो वो कहता है कि नहीं, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, इसी को तुम बजाओ। तो इस तरह से वो इतने प्यार से बच्चों से बात करता है और कहता है, जो दूसरे बच्चे जल्दी से बीच में घुस जाते हैं तो उसको कहता है, भैया हम तुम्हें भी देंगे मुरली, थोड़ी रुक जाओ, इस बच्चे को दे दो, उसके बाद मैं आपको भी मुरली देता हूँ। इस तरह से इतने प्यार से बात करता है कि सारे बच्चे जो है झुंड बना करके वो इंतज़ार करते हैं कि उनकी बारी कब आएगी और कब मुझे मुरली मिलेगी। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे, अच्छा यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी है, तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया है ना हिसाब, मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, अब सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। जो बच्चों का झुंड आता है उसमें से कोई बच्चे जो है वो 4 पैसे ले आते हैं, तो उससे कहता है कि ठीक है, 2 अन्नी जो है मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ और तुम ये मुरली ले लो। उसके बाद वो कहता है, एक बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है उससे कहता है कि तुमने माँ से मांगे, तुम्हारी माँ ने पैसे नहीं दिए, तो जाओ अब की बार जा करके माँ की धोती पकड़ करके लटक जाओ और उनके पाँव में गिर करके उनसे जो है 2 अन्नी ले आओ और लेके आके ये मुरली ले जाओ। उसके बाद भी कोई बच्चा ऐसा रह जाता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो कहता है, अच्छा भाई आज आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप एक मुरली रख लो। इस तरह से सारे बच्चों को मुरली देकर ही वह संतुष्ट होता है और खुश होकर के फिर वो आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। तो वो रोहिणी जो है आज भी बैठ करके उस मुरली वाले की आवाज़ सुनती है, क्योंकि मुरली वाला हर दिन आता है उसी गली में और आ करके वो आवाज़ लगाता है और मुरली बजाता है। मुरली के मधुर स्वर के साथ ही सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो रोहिणी है वह भी जो है मुरली वाले की ये जो आवाज़ है उसे वो सुनती है, और सुनने के बाद वो अनुभव करती है, वो अपनी सोच पर जोर देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहले भी ये फेरी वाला आया है। नहीं नहीं, वो अपने मन से कहती है कि नहीं नहीं ये कभी नहीं आया होगा। फिर यह जो व्यक्ति है वह सौदा भी कितना सस्ता करता है। सस्ता सौदा का क्या मतलब है, 3 पैसे की मुरली है लेकिन वह देता कैसे है, 2-2 पैसे में बच्चों को मुरलियाँ दे जाता है, इतना सस्ता का सौदा करता है। और यह बेचारा जो है मारा मारा फिरता है। मारा मारा फिरने का क्या मतलब है कि वो हर गली में गली गली में जाता है, घूमता रहता है।
तो उसकी जो मेहनत है वो मेहनत के पैसे भी उसको नहीं मिलते। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, तो वो क्या कहता है, कहती है कि वह जो है अपने पेट के लिए ही ये पैसे कमा रहा है और यह सस्ते में बच्चों को बेच रहा है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि उस नगर में किस तरह से बच्चों के मन को लुभाने के लिए खिलौने वाले आता है और उसके बाद सारे बच्चे उस खिलौने वाले को घेर लेते हैं और सारे बच्चों को वो खिलौना देता जाता है दो पैसे में। उसके बाद क्या है कि वही खिलौने वाला मुरली वाले का रूप धारण कर कुछ दिनों बाद 6 महीने बाद मुरली वाला बन करके वो आता है और आने के बाद सारे बच्चे उसकी मुरली की जो मधुर स्वर है उसको सुन करके सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं और आ करके सभी बच्चे अपने तरह के जो उन्हें पसंद है वही मुरली वो खरीदते हैं और मुरली वाला भी बड़े प्रेम से उनको मुरली देता है दो पैसे में। तो हमने देखा कि बच्चे जो है वह घर से बाहर निकल करके सामान खरीदने के लिए या उस मुरली को खरीदने के लिए कैसे दौड़ पड़ते हैं, तो वो इस पार्ट का जो दूसरा भाग है उसमें हम देखेंगे कि मुरली वाला और कौन सा रूप धारण करता है। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या है कि 6 महीने बाद वो मुरली वाला बन के आता है और बच्चों को दोबारा से वो जो है आकर्षित कर लेता है अलग अलग चीज़ों को बेचने पर। क्या है कि बच्चे जो है उसके प्रति आकर्षण दिखाते हैं और वो अपने घर से अपनी गलियों से निकल करके दौड़ पड़ते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ये मुरली वाला किस रूप में आता है और बच्चों को लुभाता है। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।